जा रहे हैं बिजली महादेव, जो ट्रैक है बिजली महादेव का, वहाँ पे जा रहे हैं। और सारे कॉलेज के बच्चे जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं, देख रहे हो आप भाई हैं। अरे थकना नहीं है, राम राम से चलना सब ना, ठीक है ना? अभी नहीं थकते, अभी नहीं थकेंगे। ओके ओके, तो गाइस अभी चलते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। शायद 1 घंटा लग जाए। 1 घंटा लगेगा? लगेगा लगेगा 1 घंटा, हाँ मान के चलते। और धूप ज़्यादा है, मेरे को लग रहा था कि यार ठंड होगी, लेकिन मनाली में भी गर्मी है यही समझो। सब कल तो हम टी शर्ट में थे सारे, कल भी इतनी नहीं लग रही थी हमें, क्या बोलते हैं, गर्मी, ओह ठंड, सॉरी भाइयों। कितनी देर में पहुंचने का प्लान है ऊपर? इग्नोर भाइयों, कितनी देर में पहुंचोगे ऊपर? दूसरी बार इग्नोर भाइयों, कितनी देर में पहुंचोगे ऊपर? भाई मेरे को पता है 3 बार बोला मैंने ये चीज पीछे से और इग्नोर हुई है। विनय ब्लॉग के लिए ले रहा है, चलो अच्छा पोस्ट हो। भाई कितनी देर में पहुंचेंगे ये बताओ? भाई मैं पहली बार जा रहा हूं। पहली बार जा रहे हैं, कहाँ रहे हो? हम जा रहे हैं बिजली महादेव। सर आप तो सबसे पहले पहुंचोगे ना? आप भाई सबसे स्टेप आपके बहुत नहीं छोटे 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 है ना, फिर ठीक है। यो हेलो आ गया, अब तो आ गया, अब तो आ गया। यहाँ पे पार्किंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे पेड़ पार्किंग। हाँ जी हाँ जी, छोटी बच्चे हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। हुसैन भाई आप रह गए? हाँ जल्दी 10 के चिप्स देना, 10 के चिप्स दे दो। 20 के लेंगे, इसको डालू ना पक्का ना? ये देखिए इनके पास जुगाड़ है, एकदम टॉप पे है, हमें ऐसा लग रहा है। ये देखो आपको यहाँ से दिखाता हूँ व्यू, तगड़ा एकदम टॉप पे पहाड़, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ देख सकते हो आप। आधा कर लिया हमने? नहीं है, 2 किलोमीटर बचा है, तो 4 किलोमीटर था मतलब टोटल। नीचे से करना चाहिए था, 18 किलोमीटर का ट्रैक बना। अभी 2 किलोमीटर और ना, नीचे भी तो 2 किलोमीटर था, 4 किलोमीटर का ट्रैक कम होता, जिसने कि आधे बच्चे खत्म हो चुके हैं, आधे बच्चे खत्म हो चुके हैं। और उससे उससे जो ये अच्छा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाय बाय अर्णव। हमारे भाई लोग आते हैं यहाँ पे, सर हम वेट कर रहे थे आपका। भाई मैंने वेट किया तुम्हारा, मेरे भाई बढ़िया बंदे हो, जब तक मेरे भाई नहीं आएंगे तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। हम चलेंगे, वो अलग बात है, मैं रेस्ट ले रहा था। हेलो 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 सर, नहीं यहाँ से मौसम इतना अच्छा है, आप खुद बोल रहे हैं। चलो 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 अब चलो। राहुल सर थके तो नहीं? राहुल सर थके तो नहीं? थके तो नहीं सर? नहीं थके, पसीना सर? आप तो, आपको तो चलने की आदत है सर, इतनी तो सर ऐसा क्या? हाँ थकी, ऊपर से बैग भी ले रखा है यार उसने। अब तू वीडियो बंद कर यार, वीडियो बंद कर, और एक पिक्चर ले, बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है यहाँ से। वैसे अभी चलते हैं, अभी हम थोड़ा सा और टाइम लगेगा हमारे को, कम से कम 1 घंटा जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। I'm gonna go to the hospital.
कैंप के लिए भी जगह है, बाकी दुकानें हैं छोटी छोटी, जो भी कुछ लेना हो ले सकते हो अभी यहाँ पे भी आके। तो इसकी हिस्ट्री जो है, बिजली महादेव क्यों ये मंदिर बना, मतलब क्यों ये नाम पड़ा, आपको मैं बताऊंगा, रुक जाओ अभी आगे किसी से पूछ के, ठीक है। तब तक आप व्यू के मजे लो। क्या बोलेगा हमारा ब्लॉगर, कैसा हो पिंटू भैया, जैसा हो। राजनीति और न कर रहा हूँ मैं, हम पॉलिटिक्स पर आ गए, ब्लॉग है ना, पॉलिटिक्स भी है ना मेरा, तो एक ब्लॉग डालेंगे हम पॉलिटिक्स। यार मैं सर का वेट कर रहा हूँ, सर आ नहीं रहे तब से। सो गाइस अभी हमें अभिषेक भाई बताएंगे थोड़ा सा यहाँ का हिस्ट्री वगैरह। 150 रुपया देगा अभिषेक भाई, ये बताना यार ये बोलो पार्वती वैली कहाँ है? ये है पार्वती वैली सा। अच्छा, पार्वती वैली, इस वैली के बीच से जो नदी आती है उसको बोलते हैं पार्वती नदी। अच्छा, और वो मलाना विलेज का है? मलाना विलेज है, ये स्नो माउंटेन है इसके पीछे। अच्छा अच्छा, बैक साइड वो अभी दिख नहीं रहे ना, क्योंकि कसौल, रसौल, कसौल दोनों एरिया ये नहीं आते हैं। तो यहाँ पे अभी इतना, और ऊपर अभी इसकी हिस्ट्री बताएंगे आपको, जो कि बिजली महादेव क्यों यहाँ पे बना, ये क्यों नाम रखा इसका। सो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से, सर का वेट कर रहा था, सर आ नहीं रहे, लेकिन कोई और आया है। हमारे सर आ चुके हैं जिनका मैं वेट कर रहा था, पता है आपको मैं वेट कर रहा था आपका, मैंने कितने बार से, मैंने 10 मिनट हो गए मेरे को वेट करते हुए आपका, मैंने 10 बार बोल दिया कि मैं आपका वेट करके तभी जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। टू टू वाली ट्यून लगा देगा सर, की मैं मजाक कर रहा था उस टाइम, इसको पता है मेरे को ब्लॉग में। नहीं सर, नहीं सर, डक जैसे ना देगा सर आपके नाम के आगे। नहीं नहीं सर, नहीं, जो होगा सही होगा, जो दिख रहा है वही होगा, दिख रहा है हमें, बड़ा दिख रहा है, पुट्ठे कैमरे से वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों एक बात बताऊं, इन भाई की वजह से ये ट्रिप जो है कामयाब हुई है। विदाउट हिम, विदाउट हिम कुछ नहीं होता, मैं ये बता रहा हूँ, मतलब ट्रिप ऑर्गेनाइजर से लेके ये सब कुछ है, तभी हम इस ट्रिप पे आ चुके हैं। थैंक यू भाई, लल्ली भाई, पिंकू के उसमें, और एक एक ये जो थे ना, इन्होंने ना कुछ नहीं किया ट्रिप में, ठीक है ना, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो मेरी जान है ना, एक इसने जो पिंटू भाई ने दी है अपनी दवाई, सब सारों की मेहनत रही है भाई इस ट्रिप को सक्सेस करने भाई के लिए। अब आपने लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना इसको भाई, मजा आ जाएगा। सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल को बढ़िया करके, इतनी खुशी। और भाई व्यूज काफी सेक्सी है यहाँ का, बिजली महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर खुद करवाता महादेव, विदाउट मी कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, तो ये गाइस फॉलो करो भाई को यार, लाइक लुक मार देना बढ़िया करके, सब्सक्राइब करो ये यूट्यूब में, यूट्यूब और सब्सक्राइब करो भाई को यार, लाइक शेयर करो, जवाब दो, बहुत बहुत थैंक यू आपका सबका है। ऋषभ भाई की कृपा होगी, महादेव की कृपा होगी, सब्सक्राइब कर दो, महादेव की कृपा होगी। तो अभी बस हम गेट के बहुत पास है, और गाइस यहाँ पे विजिट जरूर करना यार, बहुत सही लोकेशन है, बहुत मजा आया भाई ट्रैक करने में। और भाई बाकी आपको पिंटू भाई बता ही देंगे आगे क्या है। मैं पिंटू तो बता ही रहा था उससे सब कुछ। क्यों सर, पिंटू का बिल्कुल, ये भी हमारे साथ, इनकी वजह से ट्रिप हमारी अधूरी थी, नहीं तो वो भी है पीछे वाले, वो भी हमारे साथ, ये भी है। हाँ मुझे ये पता है कि यहाँ पे हर साल नियर अबाउट अगस्त में यहाँ पे एक बार बिजली गिरती है शिवलिंग पे। यस सर, शिवलिंग में जब गिरती है तो पंडित जी को सपना आता है कि कहाँ कहाँ उसके पीसेस गिरे हुए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत ही फेमस मंदिर है हिमाचल का,
बिजली महादेव। हाँ जी, कुल्लू में पड़ता है ये। ओके सर, आप जरूर आए, विजिट करें। थैंक यू सर, अच्छा ट्रैकिंग स्पॉट है ये। सर ने हिस्ट्री बता दिया अब आपको, ठीक है? सर को थैंक यू बोल देना नीचे कमेंट में। ओके, लिखना सर थैंक यू। ओके ठीक है, बाय बाय। भाई कैसे हो? बढ़िया मजा आ रहा है यार। देखो भाई, तुम्हारे को कितने अच्छे से समझाया जब सर ने समझाया। हाँ। है ना, तो हमारे को क्लास में ऐसे ही समझाता है। लो और समझना कुछ। कौन सा टॉपिक समझोगे बताओ? क्लास में भी हम ऐसे से बाकी बोले सर, बल्डीज बाकी बोले सॉफ्टवेयर साथ में। कौन है? ये भाई ने मेरी बहुत हेल्प, इस भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी है व्लॉग बनाने में। हर हर महादेव।
पे भाई लोग सारे बैठे हुए खाना खाने के लिए रेडी एकदम। लोग अब खाएंगे आराम से खाना, है ना? ठीक है, आंटी जी बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। और ओके ओके ठीक है आंटी, थैंक यू थैंक यू।